आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार सरकार की योजना के तहत अब बिहार के कुल 54,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें 25,000 की प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। बता दें कि इस बाबत बिहार सरकार ने इस बात को लेकर हरी झंडी दे दी है, यानी कि अब बिहार सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार में ऐसे 54,000 स्टूडेंट्स के खातों पर जल्द से जल्द 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या कुछ खास है इस योजना में और कैसे इन स्टूडेंट्स को 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भेज किया जाएगा, क्या कुछ प्रोसेस है इस योजना के तहत, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार में स्नातक उत्तीर्ण 53,600 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्राओं के बैंक खाते में चली जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ ही वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी, लेकिन वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विवि के मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने तीनों विश्वविद्यालयों की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमार ने इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है कि उन्हें हाथों हाथ सत्यापन करवा कर देना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी कोटि की छात्राओं को राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एक मुफ्त 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना की राशि दुगनी यानी 50,000 मिलनी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण लगभग 2.25 लाख छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। पिछले माह 14,400 छात्राओं को लगभग 35 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके पहले भी 11,000 से अधिक छात्राओं को राशि दी जा चुकी है। अब भी लगभग 2 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देना बाकी है। स्नातक प्रोत्साहन योजना में विवाहित और अविवाहित दोनों ही छात्राओं को राशि दी जाती है। आवेदन करने वाले छात्राओं की विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सर्टिफिकेट की जांच के बाद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाता में देने का प्रावधान है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक पास 2.20 लाख छात्राओं को 550 करोड़ की राशि देनी थी, अब भी लगभग 1.90 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देना राज्य सरकार की तरफ से बाकी है। बता दें कि बिहार सरकार की कन्या उत्थान योजना के तरफ से बिहार सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की बिहार सरकार की तरफ से पहल की गई है और ऐसे में कई छात्राओं को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल चुका है, लेकिन अब भी ऐसी 53,600 छात्राएं बिहार में बाकी है जिन्हें प्रोत्साहन राशि मिलनी है और ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से इस प्रोत्साहन राशि को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि यह प्रोत्साहन राशि विवाहित और अविवाहित दोनों छात्राओं के लिए लाभदायक है, यानी कि यह प्रोत्साहन राशि विवाहित और अविवाहित छात्राओं को मिलती है और ये स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को ही दी जाती है। बता दें कि डीबीटी के माध्यम से 25,000 रुपए छात्राओं के बैंक खाते में भेजे जाते हैं और इसको लेकर अब आगे के प्रोसेस को बिहार सरकार की तरफ से सुचारू तरीके से चलाया जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि बिहार सरकार की तरफ से हुई बैठक में तीनों विश्वविद्यालयों को तलब किया गया। इसके बाद उनसे यह मांग की गई कि वो जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जारी करें जिसके तहत उन तीनों विश्वविद्यालय की छात्राओं को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सके। अभी के लिए इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।